अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो सोलर पैनल की टाइप पर है कि मार्केट में कितनी टाइप्स के सोलर पैनल हैं और आप अपने एरिया के लिहाज से कौन सा सोलर पैनल इस्तेमाल करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सोलर पैनल की टाइप्स के लिहाज से दो तरह की सोलर पैनल की टाइप्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। पहले नंबर पर है मोनो पैनल प्लेट्स और दूसरे पर आ जाती हैं पॉली पैनल प्लेट्स। तो फ्रेंड्स, अब इनको बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप अपने एरिया के लिहाज से कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मोनो पैनल प्लेट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये मोनो पैनल प्लेट्स की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादातर उस एरिया में इस्तेमाल की जाती हैं जहां पर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी कि जो से हमारे गर्म इलाके हैं उनमें ज़्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि गर्मियों में तो ये अच्छी तरह काम करती है, लेकिन जैसे ही हमारे सर्दी आ जाती है तो जब तक अगर इसको टेम्परेचर हम जो है वो 25-26 नहीं देंगे तो तब तक ये जो सी अपनी वर्किंग अच्छे तरीके से नहीं करेगी। तो इसी वजह से इसको ज़्यादातर जो से हमारे गर्म इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल भी तौर पर भी 26-27-28 इससे ऊपर रहता है तो वहाँ पर ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इनके मटेरियल की बात की जाए तो ये जो सी प्लेट्स हैं ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल्स की बनी होती हैं, जिसकी मदद से आप जितने भी इनके सोलर पैनल प्लेट्स देखेंगे इनकी शेप भी एक जैसी होगी और उनका कलर भी एक ही जैसा होगा। और फ्रेंड, इसी लिहाज से इनकी प्योरिटी के लिहाज से इनकी प्राइस जो सी है वो पॉली पैनल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो चले फ्रेंड्स, आप पॉली प्लेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉली पैनल प्लेट्स हमारी ज़्यादातर उन इलाकों में इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पर टेम्परेचर हमारा ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा सर्द होता है, कि यानी कि गर्मियों में तो ये भी प्लेट्स जो सी हमारी बहुत अच्छी काम करती हैं किसी भी एरिया में, लेकिन सर्दियों में अगर आप इनको 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर इनको मिल जाता है तो ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा अगर इसके मटेरियल की बात की जाए तो ये भी सिलिकॉन क्रिस्टल्स की ही बनी हुई होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्योर नहीं होती। ये जैसे हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल पत्थर होता है उनको जस्ट कट करके इनको असेंबल कर दिया जाता है। इसी वजह से अगर आप पॉली पैनल प्लेट्स को देखेंगे तो इनके सेल्स का कलर एक जैसा नहीं होगा, कुछ जो है वो लाइट ब्लू कलर में होंगे, कुछ का कलर जो है वो डार्क ब्लू होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इनकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो ये हमारी मोनो पैनल प्लेट्स की निस्बत से थोड़ी सस्ती होती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।